दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग पेनिनसुलर इंडिया कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में, एंड इन दैट हम लोगों ने पठार पूरा देख लिया था। कितने सारे इम्पोर्टेंट पठार हैं, इम्पोर्टेंट सारे नहीं, इम्पोर्टेंट पठार जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से गुड है। सो उसमें था मेवाड़ का पठार जो हमारे कहाँ पर स्थित है, राजस्थान की तरफ, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड, मालवा का पठार। ये तीनों पठार जो है ना, ये तीनों पठार अरावली से विंध्याचल के बीच में स्थित है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। पूर्वांचल के दो चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते रेलिया। फिर आपका करिमलोंग, दंडकारण्य और डेक्कन प्लेटू। So these things we will discuss along with. तो हम लोगों ने दो पठार कर लिया था, आज हम लोग बुंदेलखंड का पठार करेंगे। तो इसमें से हम लोग ने टुडे वी विल स्टार्ट बुंदेलखंड फ्लैट, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, डोंट वरी। टेलीग्राम में मैं सब कुछ आप लोगों को दे दूंगी, अभी सिर्फ समझो इतना, ठीक है। और साथ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको लिख लेना, ठीक है ना। सो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये देखो, ये दो राज्यों में फैला होगा, एक होगा यूपी और एक होगा एमपी, ठीक है। अब जब हम लोग इसकी पोजिशन मैप में देख सकते हैं कि ये यूपी के कहां भाग में है, यूपी के दक्षिणी भाग में रहेगा और एमपी के उत्तरी भाग में, ठीक है। तो अब आप मैप को देखो तो देखोगे कि यूपी का जो एक छोटा सा हिस्सा ऐसा वाला है ना, तो निकला हुआ है यहाँ पर, ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है। ये हो गया आपका बुंदेलखंड का पठार। लेकिन जब हम लोग मैप में लोकेट करो कि ये जो बुंदेलखंड और बघेलखंड, दो बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, इन दोनों पठार के बीच में एक आपका पहाड़ आता है, कैमूर का पठार, ठीक है, कैमूर पहाड़ियाँ। और ये कैमूर पहाड़ियाँ जो है ये आपकी बिहार तक एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लेना, ये कैमूर की पहाड़ियाँ जो है ये बिहार तक एक्सटेंड करती हैं और ये विंध्याचल का भाग है, ये जो है ना ये आपके विंध्याचल का भाग है, विंध्याचल पार्ट, क्लियर है इतना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका बुंदेलखंड का पठार है ये आपके यूपी और एमपी में मिक्स स्टेट में पाया जाएगा, जिसमें यूपी का दक्षिणी भाग और एमपी का उत्तरी भाग, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है, इन दोनों बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में एक कैमूर पहाड़ी आती है। अब ये कैमूर पहाड़िया का एक्सटेंड तो आपको बिहार तक मिलेगा और ये पार्ट है किसका, विंध्याचल का, क्लियर है। अब देखो जब ये विंध्याचल का पार्ट है तो विंध्याचल के ऊपर के साइड में ये आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे विंध्याचल रहेगी, यहाँ पर मिलेगा। सो क्या है कि यहाँ पर जो जब सामने एक बड़ी पहाड़ी आ जाती है और पीछे कुछ पठार है तो आपको लगता है कि यहाँ पर रेन्स प्रॉपरली होगी, नहीं होगी, बिकॉज इस बुंदेलखंड के पास हमारे इंडिया में जो मॉनसून प्रवेश होता है दो साइड से प्रवेश होता है, एक अरेबियन सी से, ठीक है। सो जब अरेबियन सी से और यहाँ पर अगर इंडिया का देखें तो आप देखोगे कि एक अरेबियन सी से आ रहा है, एक आपका बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, ठीक है, मॉनसून, और एक आपका इधर से अरेबियन सी से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही इस बुंदेलखंड के पास पहुंच नहीं पाता है, बीच में इसके क्या आ जाती है, अरावली आ जाती है। तो जब बीच में इसके अरावली आ जाती तो यहाँ का मौसम कैसा हो गया, यहाँ की जलवायु परिस्थितियां कैसी हो गई, एरिड हो गई, शुष्क हो गई। सो वॉट आई विल से कि बुंदेलखंड में आपको कैसी परिस्थितियां मिल गई, एरिड या शुष्क, ठीक है, एरिड या शुष्क आपको
क्या परिस्थितियां मिल गई, इसका मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं हुई है, वर्षा नहीं हुई तो एयर शुष्क परिस्थिति है। ये तीसरा पॉइंट है जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। तो जब शुष्क है तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट है इजीली इरोड हो जाएगी, इजीली अपरदन हो जाएगा इसका, ठीक है, इजीली अपरदन हो जाएगा। तो ये काफी अपरदित होती है और सेमी बोल सकते हो, टोटली एरिड नहीं, सेमी एरिड यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है, अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, इजीली इसका अपरदन हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने मैप में देखा कि कैसे वहाँ पर इसकी लोकेशन है पर्टिकुलरली, देन वी विल टॉक दैट ये दो लोकेशन के हिसाब से एमपी और यूपी में फैला हुआ है, और बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच में कैमूर की पहाड़ियाँ आती हैं। अब कैमूर की पहाड़ियाँ जो है विंध्याचल का भाग है, और ये एक्सटेंड कहाँ तक होती है, बिहार तक एक्सटेंड हो रही है। जब ये बिहार तक एक्सटेंड हो रही है, दूसरी इसकी पोजिशनिंग के हिसाब से ये विंध्याचल के पीछे पड़ता है, तो विंध्याचल के जब पीछे आपका आ जाएगा तो सामने विंध्याचल खड़ा हुआ है, तो इसके पास जो वेव्स हैं आपके मॉनसून की जो पवने हैं वो रीच नहीं कर पा रही दोनों साइड से, सो यहाँ पे अर्धशुष्क परिस्थितियां पाई जाती है और इजीली इसका अपरदन हो जाता है। इतना क्लियर है। अब एग्जाम में क्या आता है, ये उतना नहीं था, कैमूर आ सकता है, कैमूर वाला बढ़ाइया वाला क्वेश्चन ऑप्शनल में आ सकता है जब एमसीक्यूज में, पर इम्पोर्टेंट में क्या है कि देखो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट नदियाँ होती हैं, टू इम्पोर्टेंट रिवर्स है, ठीक है, एक आपकी केन और दूसरी आपकी बताओ बतवा, ठीक है, केन नदी। तब ये केन नदी है तो एक देखो, एक पूर्वी भाग में बह रही है, एक पश्चिमी भाग में बह रही है, so this will be in the western side, it is in the western side and this is in the eastern side, ye eastern side mein beh rahi hai, lekin jab ab kyunki ye area kya hai, shushk hai, yahan par sab kuch shushk se hai, theek hai, aur beech mein aapki pahadiyan aa rahi hai, to ye kya hoga, pani ko apne taraf khinchega na, शुष्क चीजें अपने तरफ पानी को खींचेंगी, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा अपरदन भी होता है, कि वाटर सकिंग, वाटर क्या करती है, सक करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को खींचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इरोजन हो जाता है, क्लियर है। दूसरी चीज, अब ये दोनों नदियां जो है चंबल से जाके मिलके फिर क्या कहते हैं यमुना में गिर जाती है, तो ये इसका जो ढाल है इनका, ये उत्तर के साइड है, यूपी में आके उत्तर में साइड है, सो हम कह सकते हैं कि पठार का जो स्लोप होगा या ढाल होगी वो क्या होगी इसकी, उत्तर के साइड में, क्लियर है। ये तीसरा चीज इम्पोर्टेंट है। चौथा चीज इम्पोर्टेंट क्या है कि जो क्वेश्चन आता है, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ये एक न्यूज का मैटर था, या आप सुनोगे कि यहाँ पे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, एक्चुअली इन दोनों को मिलाकर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में कौन कौन सा था, ये दोनों नदियां इसमें आ रही थी, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट जो है आपके भारत का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, किसका, यूनियन का, क्लियर है। तीसरी चीज, इसमें लागत बहुत ज्यादा लगी है, 41 something crore का लगा है, आई थिंक 44,650 crore का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एमपी में है, लेकिन वहां पर एक रिजर्व है, रिजर्व, ठीक है, ये रिजर्व आपका टाइगर रिजर्व है, आप लोग खोजना है इसको, आई थिंक, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ये हमारे वाटर बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट है और कुछ आपका सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ के पानी की समस्या को खत्म करेगा, लेकिन यहाँ पर ये डिले हुआ है, प्रॉब्लम आया है इसमें, इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज होने में, किसका प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम प्लस कुछ जुडिशियरी प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से ये प्रोजेक्ट जो है आपका काफी डिले हुआ है और प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइगर का रिजर्व है,
रिजर्व्स है किसके, इसी के मेन प्रॉब्लम इसी का है, इसका नाम है पनामा, पनामा डाटा रिजर्व, क्लियर है। आप इसके बारे में और जानकारी देखना, लेकिन ये जो लिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ये आपके इन दोनों नदी की वजह से है, केन नदी और, ठीक है इन दोनों नदी के, तो यही इंपॉर्टेंट है और इतना ही आता है, इससे ज्यादा इस बुंदेलखंड के पठान में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महागांव पठान रिवर है हमारा एक्चुअली। देखो यहाँ से ये आपका चंबल है, ठीक है, ये आपका चंबल जो है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, फिर ये उत्तर के साइड में जा रहा है और ये आपकी आ गई यमुना, ठीक है। तो ये सारी यमुना मिल रही है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सिंध मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बेतवा नदी मिलेगी, यहाँ पे आपको केन नदी मिलेगी। तो ये दोनों नदियां क्या है, ये दोनों नदियां भी आके यमुना से मिल रही है बाद में। सो ये आपके चंबल तो आके मिल ही रही है और वो नीचे से देखो ऊपर की तरफ जा रही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपका जो जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बेतवा और ये आपकी के बीएलपी प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये आपका दिसंबर 2021 का प्रोजेक्ट है, देख लेना इसको। अब आ जाओ मालवा का पठार, नेक्स्ट है आपका मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू है। सी हमने आपको अभी बोला था ना कि ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के वीएलपी, देखो यहाँ पर कौन सी नदी है, ये आपकी मेन यमुना नदी है, क्लियर है। तो ये जो बेतवा नदी यहाँ से है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये वाली केन रिवर, ठीक है। सो बेतवा रिवर एंड केन रिवर के बीच में देखो ये आपका इंटरलिंकिंग वाला है। तो ये इंटरलिंकिंग जो है एक्चुअल में यही इंटरलिंकिंग आपका प्रोजेक्ट है, क्लियर। लेकिन देखो यहाँ पे क्यों डिले हुआ, मैंने आपको बोला था कि कंजर्वेशन रिजर्व आ रही है यहाँ पे, तो ये जो पन्ना पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, आई थिंक हमने आपको पन्नामा बोल दिया था, इट इज अ पन्ना टाइगर रिजर्व, क्लियर। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में जो लिंक चैनल है इसी की प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जगह आपको मिल जाएंगे, जैसे भोपाल, हम लोगों ने अभी भोपाल की बात की थी, ठीक है। सो ये देखो, और जो मैंने आपको बोला था कि उत्तर प्रदेश का जो लोअर पार्ट है जहाँ पर है स्थिति है प्लेटू, ये है, ठीक है, इस पार्ट में यूपी का ये पार्ट है, क्लियर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब ये मालवा का पठार आपको देखो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है, मैं मैप में तो आप देख सकते हो, साथ में ऐसे भी देख सकते हो। देखो इसके स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगी विंध्याचल की श्रेणी, विंध्याचल, ठीक है। इस साइड आपको, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक साइड पे अरावली है, अरावली, यहाँ पर आपको मिलेगी अरावली। मैप में देखो यहाँ पर आपको मध्य भारत का पठार मिलेगा, पठार मिलेगा। और कोई बता सकता है यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बुंदेलखंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सा शहर है आपको मिलेगा, वो है भोपाल, ठीक है, भोपाल मिलेगा। अब भोपाल के एक इधर से नदी जाती है, एक नदी इधर से जाती है, एक होगी आपकी पार्वती और एक होगी आपकी बेतवा, ठीक है। सो जब हम इस भोपाल से देखेंगे तो भोपाल क्या है आपका, सेंटर पर है। और यहाँ से देखो, अब इस साइड आ जाओ, हम जानते हैं कि चंबल नदी ऐसे जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा घूम के जाएगी, इतना भी स्ट्रेट नहीं है। सो इधर आपकी चंबल नदी है जो कि इधर से उधर जा रही है। अब इसमें आके कौन सी नदी मिलेगी, इसमें आके शिप्रा मिलेगी, शिप्रा नदी इसमें आके मिलेगी, ठीक है, शिप्रा रिवर। तो हम लोगों ने क्या देखा, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जब चंबल में आके शिप्रा मिल रही है, क्लियर है, और साथ में यहाँ पे दो नदियां भी बह रही है, एक आपकी पार्वती है और एक आपकी बेतवा है, ठीक है। यहाँ पे भोपाल का सिचुएशन आ गया, तो ये आपकी पार्वती हो जाती है, पार्वती रिवर, और ये आपकी कौन सी रिवर हो जाएगी, बेतवा, ठीक है। तो ये जो आपका टोटल है ना, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्लियर है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ पर एक और नदी भी है, क्लियर है, यहाँ
यहाँ पर एक और नदी, कोई मुझे बता सकता है कौन सी नदी है? यहाँ पर एक और नदी ऐसे बहती है जो कि आपकी काली सिंध है, काली सिंध, ठीक है। और इसी काली सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन, उज्जैन, क्लियर है। सो सी हाउ मच इम्पोर्टेंट दिस मालवा का पठार, मालवा का पठार कितना इम्पोर्टेंट है ये आप इसके लोकेशन के हिसाब से देख सकते हो, देख सकते हो आप मैप पे भी इसको देख सकते हो, बट रफली अगर डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो आप इतनी सारे मिला के एक रफ डायग्राम कॉपी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर देख सकते हो। तो हम इसका अगर विस्तार देखें, अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें, इस मालवे के पठार का एक्सटेंशन या विस्तार देखें, तो हमें कहाँ तक मिलेगा? एमपी में, मेनली ये एमपी का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा आप देखेंगे कि राजस्थान के हाड़ौती का पठार जो है ना, थोड़ा सा पार्ट किसका रहेगा? राजस्थान में हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, ठीक है, नीचे के साइड में होता है। क्लियर है इतना? इज दिस क्लियर? इसकी पोजिशनिंग देख ली और ये कितना इम्पोर्टेंट है आप देख सकते हो। तो एक आप जब मालवा का पठार पढ़ रहे हैं तो इसमें दूसरी, पहला चीज तो इसकी पोजिशन होगी, दूसरी चीज जो है ये आप देखोगे कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा, तो थोड़ी सी जलवायु का आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कौन सी होगी। प्लस यहाँ पर आपको ना काली मिट्टी मिलती है, क्यों काली मिट्टी मिलती है कोई बता सकता है? यहाँ पर बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट लावा की क्या मिलती है? लेयर मिलती है या परत मिलती है, ठीक है। तो ये जब ऐसा सिचुएशन होगा तो इसकी जो मिट्टी होगी वो कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल है, काली मृदा। और ये काली मिट्टी किसके लिए होती है? कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं क्या, किसके, कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उपयोगी है, ठीक है। इतना हो गया क्लियर? और किसी को इतने में क्या किसी को प्रॉब्लम है बताओ भाई, इतने में किसी को प्रॉब्लम है? तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर क्या होगा, दो तीन चीजें देखो, चारों तरफ ये लिख देते हैं ना पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप ये लिख लो इसका कि कवर्ड बाय या सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑल साइड, ऑल साइड, या चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा है, पहाड़ियों से घिरा है, पहाड़ियों से, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सो फॉर दिस रीजन ओनली क्या है, यहाँ पर शुष्क आ जाएगा, अर्धशुष्क, शुष्क जो भी है, मतलब ड्राई, ड्राई परिस्थितियां, यहाँ की ड्राई परिस्थितियां। अब जब ड्राई परिस्थितियां हैं तो आप देख सकते हो क्या होगा कि अपरदन होगा, और यहाँ पर क्या है, बेसाल्ट लावा का लेयर पाया जाता है, ठीक है। सो ये आपके ब्लैक सॉइल कल्टीवेशन के लिए बहुत उपयोगी है, आपको इतना ही जानना है इस मालवा के पठार को, क्लियर है। इसकी पोजिशनिंग देख ली हम लोगों ने, बाकी सारे पॉइंट्स देख लिए, हम नेक्स्ट चलते हैं। हम देखो यहाँ पर मैंने कुछ पीक्स रखे हैं, कुछ पीक्स के साथ कुछ रेंजेस भी हैं, जिसमें देखो ये तो हम लोग हिमालय वाला जो पढ़ रहे थे वो तो उस पार्ट में चला गया, बट व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड राइट नाउ, हम लोगों ने क्या बोला कि जो चार हमारे पास आपके प्लेट्यूज है, पठार है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये मालवा का पठार देखो कितना, यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है और यहाँ पर अरावली है, तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट तो ये आपका वो हो गया, ठीक है, मरुस्थल वाला हो गया जो राजस्थान का पूरा पार्ट है, बट ये देखो कि जो विंध्याचल है और ये विंध्याचल के ठीक ऊपर में है, इसीलिए यहाँ पर आपको शुष्क परिस्थितियां या ड्राई वेदर दिखाई देने को मिलता है, ठीक है, कंडीशन। और ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, ठीक। सो आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द मालवास पठार, ठीक। देखो मैंने आपको ये मध्य प्रदेश का एक ज्योग्राफिकल डिवीजन बताया, ये क्या है आपके एमपी का ज्योग्राफिकल डिवीजन, ज्योग्राफिकल डिवीजन।
डिवीजन, ठीक है, भौगोलिक बताया है, विभाजन बताया है, भौगोलिक विभाजन, जिसमें आपको एक्चुअली मुझे सारे लोकेशंस दिखाने थे। देखो जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने ये मालवा का पठार पढ़ लिया है, सी हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, ये कितने बड़ा क्षेत्र से फैला हुआ है, और मध्य प्रदेश का 28% इसने लिया हुआ है। फिर देखो इधर ही से सटा हुआ आपका क्या है, मध्य भारत का पठार, ठीक है, ऊपर की ओर राजस्थान है, ऊपर की ओर क्या है, राजस्थान है, तो राजस्थान में वो आपका आ जाएगा मेवाड़ वाला। अब देखो हम लोगों ने बुंदेलखंड देखा था, ये बुंदेलखंड देखो इस साइड में, तो मेरा जो डायग्राम एक रफ डायग्राम था इट इज मैचिंग। अब बघेलखंड का पठार ये देखो, बघेलखंड इस साइड में है। अब बीच में देखो इसके जा रही है नर्मदा घाटी बेसिन, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजों से, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग मेनी थिंग्स, राइट, सो दैट्स व्हाई आई प्रोवाइड यू दिस मैप, सो दैट इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड रियल जियोग्राफिकल स्टेट। देखा जाए तो ये कहाँ पे इसकी पोजीशनिंग आएगी, ये आपके कैमूर की पहाड़ियां है ना, उसके ठीक पूर्व में स्थित है, ईस्टर्न साइड ऑफ कैमूर पहाड़ियां, ईस्टर्न साइड ऑफ कैमूर पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियों के ईस्टर्न साइड में। दूसरा अगर हम इसकी परफेक्ट लोकेशन देखने चाहें, मुख्य रूप से मेनली मेनली ये मध्य प्रदेश, एमपी एंड छत्तीसगढ़, क्लियर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी गुजरती है जो कि सोन, सो सोन सोन नदी गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। लेकिन क्या आप बता सकते हो तो ये गुजरने के बाद ये डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, गंगा में बताए, ये जो अपवाह तंत्र है ना, मतलब ये जो पठार है ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ है ऐसे बीच में, सो इट इज द ऊंचा उठा हुआ पार्ट, ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, इसका ये ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ पर दो नदियां हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है वह कौन सी दो नदियां हैं यहाँ पर? देखो पोजीशनिंग मैंने क्या बताई, पोजीशनिंग इसकी है, एक आपकी महानदी हो गई, एक आप सॉरी मैं तो आंसर बता रही हूँ। देखो पोजीशनिंग क्या होगी, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक तो सोन नदी जाती है, ठीक है, और आंसर तो बता ही दिया है, तो क्या दिक्कत है। तो ये एक्चुअली दो नदियां हैं, महानदी एंड योर सोन नदी, अब देखना मैप में, महानदी और सोन नदी जो है, इस दोनों के जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, उसको टोटली डिवाइड करती है, ये जो पठार है आपका, ठीक है, ये कौन सा पठार हो गया, ये आपके प्लेटो हो गए, प्लेटो, तो ये प्लेटो किसको अलग करती है, सो आई विल से दैट फोर्थ पॉइंट डिवाइड द ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र, तंत्र ऑफ टू रिवर्स टोटली, टू रिवर्स टोटली, कौन से दो रिवर्स हैं बताओ भाई, महानदी एंड सोन नदी, महानदी एंड सोन, क्लियर है। इतना ही आपको बघेलखंड का पठार देखना, लेकिन इसके बाद जो पठार आएगा वो आपका छोटा नागपुर का पठार आएगा, छोटा नागपुर, क्लियर है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये खनिज संपदा संपन्न है, मिनरल, खनिज संपन्न है, खनिज संपन्न है, जो कि हम लोग हर चीज को देखो, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। So I will say that it is a very important plateau, ठीक है, इसकी हम ऊंचाई देखते हैं, धीरे 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 डिक्रेट करते हुए ऊंचाई देखते हैं, छोटा नागपुर पठार का देखो 1000 मिलेगा, फिर 700 के रेंज में, फिर 400 के रेंज में, सो इट इज एंटायर, इट इज योर हाइट या ऊंचाई देखें तो
ऊंचाई देखे तो ठीक है, यहाँ पे 100 मीटर 1000 मीटर की रेंज आ जाएगी, यहाँ पर आपकी कुछ पहाड़ियाँ वगैरह आ जाएंगी 700 के रेंज में, और यहाँ पर 400 मीटर की रेंज में आ जाएगी। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? टेल मी, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम जाते हैं, ये मोशन जब हम कहाँ से कहाँ तक करते हैं, यहाँ से हम लोग वेस्टर्न साइड से जब हम ईस्टर्न साइड की ओर जाते हैं, ईस्टर्न साइड की ओर जाते हैं, तो हम इसके लेंथ में या इस नॉट लेंथ एक्चुअली इसके ऊंचाई में हम वेरिएशन देखते हैं। और ये वेरिएशन हम कैसे देख सकते हैं? क्यों हुआ? क्योंकि थोड़ा सा अपर्दन के कारण इसकी हाइट के लिए। तो पठारी क्षेत्र अगर हम देखें तो ये पूरा एक ऐसा स्क्वायर रहेगा सपाट, राइट? लेकिन ये क्या है, टुकड़ों में बढ़ चुका है ऐसे। अगर हम इसको बोले टुकड़ों में बढ़ चुका है, लेकिन वो चौकियां जैसे होती है ना, ऐसे ऐसे आप लोग देखोगे किचन में पुराने जमाने में होते थे। सो इन दैट केस वी हैव सीन दिस छोटा नागपुर का पठार। अभी तो पोजिशनिंग देख लो मैप में, फिर हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में देखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी टेक लिटिल बिट टाइम टू डिस्कस दिस थिंग, ओके?